छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ ब्लॉक के मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर भटगांव क्षेत्र के ताल गांव में ग्रामीणों और आसपास से क्षेत्र के लोगों में आज भी नाला पार करने के लिए लकड़ी और टीन से निर्मित नाव का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक ग्रामीणों की समस्या दूर हो पाएगी, या ऐसे में लकड़ी या टीन की बनी नाव से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कब तक निकल सकेंगे। हमर गांव में तो बहुत सारे बहुत मने समस्या है। काबर उत्तर दिशा में महानदी बोहे है, ए नाला क्रॉस करके बिलाईगढ़ तरफ से आए है नाला है, तो उमा के बैराज की पानी है जमा हो गए कदा एमा, तो आ जाए बहुत असुविधा होते है मन के पूरा गांव के मैं निवास है और पूरा क्षेत्र के निवास मैंने आ जाए पर भड़गांव है नगर पंचायत बिर्रा है इमा सब सारा आना जाना लेन देन होते है मन के, तो बहुत असुविधा है। अच्छा ये नाला ला छोड़ के और कोई दूसरा रास्ता है भड़गांव जाए बर? भड़गांव जाओ दूसरा रास्ता है वो बिल टिगरी तरफ से घूम करके 20 किलोमीटर जाना पड़ेगी। 20 किलोमीटर दूरी है यहाँ? दूरी है। अच्छा ये नाला ला बनाए बर कोनो अधिकारी कर्मचारी करा आवेदन वगैरह कुछ दे रहा? हाँ दे रहे हैं। का बोली दे रहे हैं? तो ये आके अपन कर्मचारी मतलब मैंने आके चेक चाक कराए देखता नाप जोक कराए और बाकी आज तक हम ऐसे कुछ नहीं हो हमेशा जाता। आप मन के गांव कतक दूरी है यहाँ ले? यहाँ से 7-8 किलोमीटर लगभग। कौन सा गांव? देवरहा। देवरहा। अच्छा ये बरसात के समय में फिर आप मन जाए बर कैसे करता हो? बरसात से जाए बर मेन रोड से जाता भटगांव से। अच्छा उधर से कितना दूरी होगा लगभग? उधर से भटगांव 20 किलोमीटर हमारे गांव से। और इधर से? इधर से लगभग 8 किलोमीटर। पूरा फैमिली आप लोग जा रहे हैं यहाँ से? जी। एक जने का कितना लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस करने का? 20 रुपये एक जने का। गाड़ी वगैरह सब करके? गाड़ी वाड़ी सब।